अगर आपने हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें जिससे आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, नहीं तो डिसलाइक करें जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं प्रिंट कर रहा हूँ मैं, एप्सन 805 मेरा प्रिंटर है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये देखिए जैसा कि प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो के आ गया। इसमें कुछ कलर ऐसे है कि जो कि कलर आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल प्रिंट करा हूँ मैंने आधार कार्ड, एक समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आधार कार्ड है कि क्या है, ना इसमें नाम पता है, एड्रेस कुछ भी नहीं दिया। इसमें बस कुछ कलर है जो कि दिख रहा है, बाकी कोई कलर आया ही नहीं। तो अगर ऐसा आपके प्रिंटर में कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं अपने से ही मुश्किल से 2-3 मिनट में, वही आपको बताना है। और उसके बारे में देखिए, सबसे पहले आप आइए, जो इंक टैंक होता है, इंक टैंक पे जो ये नॉब लगा होता है, कैप लगा होता है, सारे कैप एक एक करके पहले आप इसे निकाल दीजिए। एक एक कैप निकाल के आप साइड में रख दीजिए, जैसा कि मैंने भी सारे कैप को निकाल दिया हूँ। अब ये जो मेरा प्रिंटर था ये मेरे कंप्यूटर से अटैच है, तो आपका भी लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच होगा तो फिर आप उस पर जाएँ कंप्यूटर पर। अब जैसा कि मैं कंप्यूटर पे जा रहा हूँ, देखिए मैं कंप्यूटर पे आ गया हूँ। अब यहाँ से देखिए आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ से खोलिए और आप प्रिंटर पे जाइए, प्रिंटर पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे देखिए ढेर सारे मेरे प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, लेकिन मुझे 1005 पे जाना है। उस पर जाने के बाद आप जाइए प्रिंटर, प्रिंटर प्रेफरेंस पे जाइए और उस पर देखिए मेरा यहाँ पे दिख रहा है L805 प्रिंटर है, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर से अब इस पर देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करना है हमें, मेंटेनेंस पे क्लिक किया और मैंने ये लास्ट में देखिए जो है पावर इंक, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर ऐसा खुलेगा पेज, उसके बाद मुझे इसे ओके करना है, ओके कर देते हैं। फिर देखिए ये एक प्रोसेसिंग होगा, इसमें आपको 2-3 मिनट लग सकता है, तो थोड़ा वेट करिए। आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके प्रिंट करके भी दिखाऊंगा इसके आगे, अभी ये होने दीजिए पहले। जैसा कि मेरा प्रोसेस करीब करीब हो चला है, कुछ सेकेंड और लगेंगे। जैसा कि देखिए ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमें यहाँ से फिनिश कर देना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए। अब इसके बाद हमें सब बैक कर जाना है, बैक के ले जाइए। फिर अब इसके बाद हमें वापस जो है कि प्रिंटर पे चलते हैं, प्रिंटर पे देखिए जो ये प्रिंटर का मैंने इसका इंक टैंक खोला हुआ था, इसका सबका कैप करके वापस उसका कैप को वापस अच्छे से फिट कर देते हैं एक एक कर। देखिए मेरा पूरा पैक कर दिया हूँ मैं, अब इसे मैं जैसे था इसे मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ प्रिंटर पे। ये प्रिंटर मेरा हो गया है, प्रिंट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसे मैंने देखिए कमांड दे दिया हूँ कंप्यूटर से। अब देखिए प्रिंट आउट फिर से वही जो आधार कार्ड मैंने इसे पहले जो आधार कार्ड प्रिंट किया था वही आधार कार्ड मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए प्रिंट हो रहा है, देखिए जैसा कि प्रिंटर एकदम बिल्कुल सही हो गया है और अच्छा प्रिंट हो गया है। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से अपना सलूशन कर सकते हैं।